अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खाते पीते लाइव जायका स्टूडियो से, और ये शो आप देख सकते हैं 4 बजे से 5 बजे तक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, और इसका रिपीट टाइम जो है वो रात के 12:30 से 1:30 बजे तक है, और फिर सुबह 8 बजे दोबारा रिपीट होता है। तो उम्मीद है कि आपको जो रेसिपीज हैं पसंद आ रही हैं शो के थ्रू। और कल पाकिस्तान का यौम दिफा था, डिफेंस डे था, कल का शो बड़ा मजा आया करके, आप लोगों की कॉल्स थी, साथ साथ सवाल के जवाब थे। और कल के सवाल का जवाब था कि चिविंडा की वॉर जो थी, जो टैंक्स के थ्रू लड़ी गई थी, वो चिविंडा वॉज द राइट आंसर। कल जितने लोगों ने चिविंडा जवाब दिया, मुबारक हो आपको, बिल्कुल सही जवाब दिया। और आज का सवाल है कि फूल गोभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यह आपने कॉल करके बताना है। साथ साथ कॉल करने के लिए 02135879934 और 36 पे आप कॉल कर सकते हैं। खाते पीते का हमारा बड़ा फेमस सा कूल सा ग्रुप है, उसको फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक जख्मी शेर से आपकी मुलाकात करवाती हूँ, जो कि मेरे साथ खड़े हुए हैं फूड एक्सपर्ट हुसैन तारिक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? नाजीन कल तक 3 उंगलियां थी, 2 हो गई हैं, अभी भी बेहतर है लेकिन सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो ठीक हो गया। मतलब नाजीन आज बन रहा है फूल गोभी गोश्त और झींगे की पुलाव बिरयानी। अच्छा, ये फूल गोभी गोश्त तो रिक्वेस्ट पे बन रहा है, और हमारे पास आजकल डेलमेशन कहीं इस्लामाबाद गई हुई है, तो उनसे हमारे पास नाम होंगे कि किन्होंने रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, ये रमजानों की तरफ से मैं रिक्वेस्ट भी पूरी कर रहा हूँ लोगों की, क्योंकि हर जगह जायका चैनल अब आ रहा है, लोग देखना शुरू कर रहे हैं, एक जायका जो है लोगों घर में फैल रहा है, तो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम बनाना शुरू कर रहे हैं जो चीजें हम बना भी चुके हैं। क्योंकि खाना पाकिस्तानी खाना या अंग्रेजी खाना, आप नाम हस्ती चिकन और कुत्ता पहलवान बोटी, ये सब नाम बन रहे हैं, ये वाज़ा नहीं सुना मैंने, ये नाजी इनोवेशन है बहुत बड़ी है। तो हमारे नाम बिल्कुल सीधे सीधे नाम होंगे। अब मैं फूल गोभी का नाम है हंसता गोभी गोश्त भी रख सकता हूँ। वैसे नाजीन इसमें कोई मजायका नहीं है, वैसे क्या ख्याल है आपका? तो फूल गोभी गोश्त बन रहा है, जो थोड़ा सा फर्क करेंगे, आज थोड़ा सरसों का तेल ऐड करेंगे, आप भी करिएगा, और झींगे की पुलाव बिरयानी। हम झींगे की बिरयानी बना चुके हैं, लेकिन ये पुलाव मजे की बिरयानी होगी, तो ये भी आप ट्राई करें, और एक दफा हम झींगों के फ्राइड राइस भी बना के सिखाएंगे। ठीक है, और नाजीन ये भी आपको बता दें कि आज का सवाल है कि फूल गोभी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। उसके साथ आप एक बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में एक और बात आई थी, लेकिन आपकी ट्रेन में जो है ना ज्यादा पेट्रोल होता है और बिल्कुल रुकती नहीं है बीच में वो, ठीक है ना। मुनीबा हमारे साथ है, हमारी पहली कॉलर आज के शो की फ्रॉम हैदराबाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुनीबा। वालेकुम अस्सलाम आंटी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक बेटा, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, और शेफ हुसैन से बात करनी है। बिल्कुल बात करें, ये आपके हुए जी। अस्सलाम वालेकुम मुनीबा, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं अंकल? बिल्कुल ठीक ठाक अंकल, मैंने आपको पहले भी कॉल किया था, बिल्कुल मुझे याद है, और मैंने आपसे फरमाइश भी की थी। किस चीज की? पिज्जा की। अच्छा, पिज्जा इंशाल्लाह ना ये रमजान गुजर जाए, फिर इंशाल्लाह पिज्जा बनाएंगे, बहुत मजे मजे के पिज्जा बनाएंगे। और अंकल आप कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं। चलो बेटा थैंक यू, आप दोनों को ईद की मुबारकबाद देनी है एडवांस में। आपको भी बहुत बहुत, और आपकी फैमिली को भी ईद मुबारक। ईद मुबारक इन एडवांस टू यू मुनीबा, थैंक यू सो मच, लवली, खुदा हाफिज। अच्छा, आपने जो उसके एक बात की नाज़रीन, मेरे दिमाग से अगर बात निकल जाए ना, मुझे इतनी कोफत होती है, कोफते का भाई कोफत। अभी बताओ बताओ क्या, अब जब बात ट्रेन गुजर जाती है कहते हैं भाई कब गई ट्रेन है, अच्छा तो बात आ जाएगी याद, अभी तो बहुत मैं भी याद वक्त पड़ा है, ये कारवां अभी जारी है। बिल्कुल, अच्छा नहीं एक सेकंड ठहरे, लाइटर से जला लो। नाजीन आपको बताना है एक बात, खूबसूरती से हॉट किस्म का ये लाइटर जो है, ये देखें ऑरेंज और येलो है, ताकि अब जो हमें कैंडल्स लिट करने में प्रॉब्लम होती थी अब बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा शुक्रिया, ये हम थैंक यू मिशी फॉर ब्रिंगिंग द लाइटर। वेलकम। अच्छा, अब आज हम बना रहे हैं झींगे की पुलाव बिरयानी, उसके लिए आप अजा नोट कर लें, हमें झींगे चाहिए होंगे ऑब्वियसली, ये 1 किलो झींगा लाला, हाँ ये 1 किलो के करीब झींगे हैं, और ये बिल्कुल साफ झींगे हुए हैं, डीवेन हुए हैं, ये देखें ये बिल्कुल साफ है, बीच में से इनका ये स्लिट करते हैं और इसमें से इनकी रग निकालते हैं और ये धो देते हैं, तो ये झींगे में सिरका भी पड़ा हुआ है, ये साफ है। हमें ये हस्बे जरूरत तकरीबन 1 कप तेल चाहिए होगा। सासा नाजीन आप कॉल कर सकते हैं, लाइव शो है ये, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 02135879934 और 36 पे कॉल कर सकते हैं। ये तेल है, ओके अब इसमें हमें ये ले, ये नहीं वाली प्याज नहीं, कौन हमें ये प्याज जीरा चाहिए, नहीं ये सफेद है, हाँ सफेद जीरा, एक तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून आपके ऊपर है, जितनी आपको खुशबू चाहिए, ये सियाह जीरा, एक सेकेंड, ये नहीं है सियाह जीरा, ये 1 सेकेंड रुक जाए, ये ले। अच्छा शुक्रिया बहुत बहुत। सलीम है फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम सलीम।
कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? फाइन थैंक यू, आप सुनाइए। अल्लाह का बड़ा करम है और माशाल्लाह हुसैन भाई बहुत अच्छा खाना पका रहे हैं। अच्छा जी, जबरदस्त। मैं कंटिन्यूज हुसैन भाई का प्रोग्राम देखता रहता हूँ। अच्छा, वंडरफुल। और डेली मतलब है कि जब भी आता है मैं दो प्रोग्राम को देखता हूँ और बड़े अच्छे अच्छे खाने पकाते हैं। एक आध खाने की ट्राई मैंने भी की थी। अच्छा जी, मैंने भी पकाया, वो थोड़ा इत्तेफाक से अच्छा पक गया। लवली। तो हुसैन भाई से मैं यही कहूँगा कि फरमाइश तो खैर लोग बहुत करते हैं, किसी दिन वक्त मिले, मौका मिले तो दाल चावल बना के दिखाएं। मैं सोची भी पता नहीं क्या फरमाइश होने वाली। ये मतलब बहुत हल्की सी वो है। अच्छा, हमने दाल तो बहुत तरह की बनाई है ना। बिल्कुल ठीक है, वो मूंग की दाल या जो भी हो। अच्छा, दाल चावल बनाकर एक मतलब इंशाल्लाह ठीक है। उड़द की दाल का माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आपका। अच्छा शुक्रिया। आप लोग दोनों माशाल्लाह तरक्की करें, बड़े और ये प्रोग्राम आपके इसी तरह जारी रहे। थैंक यू। और दूसरी है कि जो हालत इस वक्त हमारे मुल्क में जो बेचारे लोग इतने परेशान हुए, हमारे यहाँ जो तबाही आई है, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे, हौसला दे और वो अपने वापस अपनी उस जिंदगी में वापस जाए। आमीन। और आपके चैनल के तवज्जो से मैं अपने अखाड़ा को और आवाम, अपने उन भाइयों को, बहनों को, बच्चों को यही कहूंगा कि जो भी आप कर सकते हैं उनकी निकाल। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। और इसको जरा बढ़ाते हैं बात को कि प्लीज पॉजिटिव सोचें। कहते हैं जैसे आपकी थॉट्स होती हैं वैसे ही चीजें होने लगती हैं। बहुत सारे लोग आजकल, जैसा कल भी मैंने कहा कि पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान में तो कुछ रह ही नहीं है, तबाही है, ये है वो है। ये इम्तहानात होते हैं हर कौम के लिए और इसमें जो है हमें हिम्मत से काम लेना है। और इंशाल्लाह ताला जितने भी सैलाब से मुतासर लोग हैं और जो इस तरह सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बेहतर होगी। मेरा ईमान है और आपका भी है और आप सब जितने पाकिस्तानी देख रहे हैं उनका भी होना चाहिए। अच्छी बात मुंह से निकाल लें तो कहते हैं अच्छी चीजें होती हैं और ऐसे ही मौकों पे आती है ब्रेक की फरमाइश। एक मिशी ब्रेक से पहले हमने इसमें मिशी फोन पे बात कर रही थी, सलीम साहब आका फोन था तो हमने तो थोड़ा नींबू मिलाया था। अच्छा, जब इस तरह की झींगे बनाए या कोई भी इस तरह का भगार बनाए तो नींबू ठंडे तेल में मिलाएं तो नींबू कभी आग नहीं पकड़ता है तेल। हमने नींबू मिलाया, अब हम इसमें झींगे मिला रहे हैं, बाकी जो गरम मसाला है बाद में ऐड करेंगे। ये अब हम झींगे मिला रहे हैं। अब ये नाज़रीन झींगे मिला लिए, अब झींगे मिल रहे हैं आपस में। बिल्कुल सलाम दुआ कर फौरन पक जाएंगे। बिल्कुल। और इसके झींगे आपस में सलाम दुआ कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, इत्तेहाद का पैगाम लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो चलते हैं क्विक से ब्रेक पे। झींगे इत्तेहाद में है, हम लोगों को भी जरा मिल जाना चाहिए, अच्छे और बुरे दोनों वक्त में। क्विक सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खाते पीते लाइव। और इस ब्रेक पे जाने से पहले जो है प्रॉन्स डाल दिए थे, आज बन रहा है झींगे की पुलाव बिरयानी और फूल गोभी गोश्त। तो झींगे जो है यकजा हो गए हैं आपस में, इत्तेहाद हो चुका है, मेलजोल हो चुका है, कुछ ने प्रपोज भी कर दिया एक दूसरे को। अच्छा, इसमें हमने इसमें स्याह जीरा सफेद जीरा मिलाया, अब थोड़ी सी हम हल्दी मिलाएंगे क्योंकि हल्दी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। और ये आपने कितनी क्वांटिटी मिलाई? आधा टेबल स्पून। आधा टेबल, मुझे वो इलायचियाँ उठा दो। इलायचियाँ भी ले लें। हमने अभी नाखून तो मेरे रहे नहीं है, ये हमने चार पांच छोटी इलायचियाँ डाली। मैं तोड़ देती हूँ। हाँ, एक का तोड़ दो। तोड़ देते हैं। ये पुदीना है, ये नाजी नई नेल पॉलिश देख रही हूँ। थोड़ा सा हमने आधी गड्डी पुदीना डाला है, इनकी नेल पॉलिश मिशी की देख लें आप लोग। नाजी एक सेकंड में दिखाती हूँ, ठहरे, ये नहीं टूट रही ना, देख सकते हैं। अब देखें ये नाजीन हमने डाली है क्या? इलायची। इलायची ये देखें। ला, 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 ला। अच्छा, ये काली मिर्चें हैं, साबुत काली मिर्चें जो होती हैं, और ये एक दो तेज पात के पत्ते हैं। और इसको अच्छी तरह भूनना है। ये झींगों के लिए आपका ये मसाला जो तैयार हो गया, चावल हम अलग से बना के लेकर आए जो हम उबालते हैं, सेला चावल है, दो घंटे भिगो के सारे मसाले के साथ और पुदीना हरी मिर्च के साथ। और ये कौसर साहब है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कौसर। वालेकुम अस्सलाम, मिशी कैसी हैं बेटा? फाइन थैंक यू, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक खैरियत से। हुसैन भाई के हाथ का क्या हाल है? देखिए ना क्या जुल्म हो गया इनके साथ। कौसर बहुत अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, बुरा हो सकता था लेकिन अल्लाह मियां ने बचा लिया। चले शुक्र है, शुक्र है। पता है कुछ मौसम भी ऐसा है ना, मॉइस्चराइजिंग वाला। बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है, ऐसे वोल्ड स्पेशली जो जले हुए हैं इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। क्योंकि अभी इस वाली उंगली में काफी पस निकल रहा है लेकिन वो ड्रेसिंग हुई भी है तो बेहतर है। ओहो, वो है भी राइट हैंड है और जहाँ पे वो जो भी करो वही टच करता है हर। एब्सोल्युटली।
बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और मीठी सुनाए आपका क्या हाल? बस मैं ठीक ठाक हूँ जी, खैरियत से। कुकिंग बड़ी जबरदस्त है आज, बड़ी जबरदस्त कुकिंग बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त है। बिरयानी बन रही है। और आज का क्वेश्चन था कोई? जी आज का क्वेश्चन है कि फूल गोभी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉलीफ्लावर। ओके ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया और इंशाल्लाह आपका जो है एंड में जवाब जो है सही आपको बता दूंगी मैं। अच्छा चले ठीक है। अच्छा तो आप लोग नाम अनाउंस नहीं करते जो कोई सही आंसर दे? नहीं वो एक्चुअली जस्ट वो कहते हैं ना एक क्विज टाइप का रखा हुआ इंटरेस्टिंग वो करने के लिए, वहाँ पता तो चल जाता है सही जवाब देने वाला। लेकिन मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जितने लोग मैं बता देती हूँ जिन्होंने जो सही जवाब है वो कहा है तो उनका फिर सही जवाब होता है। सही चले कौशल, आप ये बिरयानी बनाइएगा और फिर बताइएगा कैसी बनी। नहीं मुझे दे दे, मैं इसको काट देती हूँ। नाजीन बिरयानी, बहुत बहुत शुक्रिया कौशल साहब फ्रॉम इस्लामाबाद। अच्छा अब मिशी ये कौशल की कौ... मैं कुछ नहीं कर रहा, बोटी थोड़ी बड़ी थी, मैं कहता हूँ छोटी मुझे बड़ी बोटी बहुत कर जाती है। अच्छा अब कौशल की कॉल आई थी, अभी हम बिरयानी का चूल्हा बंद कर देते हैं, तय बाद में लगाएंगे। अब ये गोभी गोश्त चढ़ा देते हैं, मुझे प्याज दे दो। ये लें प्याज। अच्छा ये है तकरीबन दो डली प्याज है, हम इसमें तकरीबन आधी डेढ़ डली प्याज लेंगे। ब्रिलियंट मिस्टर हुसैन, पूरा ही डाल देना, चार तो रहेगा। अच्छा इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप सरसों के तेल में गोश्त सौंध के चढ़ा दें, या जब आप गोभी डालें अलग से तल के तो वो सरसों के तेल में डाल लें, आइदर ऑफ द टू। तो हम जो इसमें सरसों के तेल में चढ़ा देते हैं और गोभी रेगुलर तेल में तल लेंगे। ये हमने प्याज डाली है, तकरीबन ये एक कप तेल डाला है, हरी लाल एक कप नाजीन रेगुलर नहीं बल्कि मस्टर्ड मस्टर्ड ऑयल डाला है, जो के होगा सरसों का तेल, सरसों का तेल, सरसों का तेल ये है। और साथ साथ आप कॉल कर सकते हैं 02135879934 और 36 पे, और आज का सवाल है कि गोभी को अंग्रेजी फूल गोभी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पहले आप ये बता दें। अच्छा हमने इसमें नहज़ जरूरत नमक डाला, एक टेबल स्पून लाल मिर्च डाली है, और नाजीन ये जो अदरक अदरक लहसुन नहीं है मंगा लेते हैं, और लहसुन भी डालना है, हाफ टेबल स्पून हल्दी डाली है, सरसों का तेल डाला है, पानी दे दो मुझे। और तुम तो जो डायनेमिक्स है ना किचन की। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं आपका नाम क्या है? मोना। मोना मोना फ्रॉम कराची फैसलाबाद। फैसलाबाद क्या हाल है मोना आपके? खैरियत से? ठीक आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है थैंक यू। और हुसैन भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मोना बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआ। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अल्लाह ताला आपको जल्दी जल्दी से याद करे। थैंक यू सो मच, और हमारे लिए ऐसे अच्छे अच्छे खाने बनाते रहे। चले जी इंशाल्लाह बिल्कुल। और मिशी आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ ना, थैंक यू सो मच। सवाल का जवाब दे, सॉरी क्या कह रही? जी सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी जी बताएं। कॉलीफ्लावर। ओके कॉलीफ्लावर नोट कर लिया है, थैंक यू। और कुछ फरमाइश करें? जी फरमाइश ये तो करूंगी मैं, हुसैन भाई प्लीज व्हाइट कोरमा सिखा दें, मेरे हस्बैंड की फरमाइश है ये। अच्छा ओके ठीक। अच्छा ये मैं ना ये क्योंकि रमजान का तो आप ईद के प्रोग्राम आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन रमजान के बाद जो पहला हमारा जो प्रोग्राम आएगा उसमें मैं आपको व्हाइट कोरमा बनाना सिखा दूंगा। थैंक यू सो मच। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ईद पे हमें उनको भी याद रखना चाहिए, सलाफजान जो है हमारे भाई पाकिस्तानी। बिल्कुल जी, हम आज प्रोग्राम में ये कह रहे हैं मोना की अपनी ईद जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके साथ साथ जो है बाकी खुशी में भी साथ होना चाहिए, गम में तो हम लोग साथ हैं, खुशी में भी साथ होना चाहिए। बिल्कुल खुशी में तो साथ होते हैं, गम में भी साथ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अजी ने कुछ तरीकाकार आपने देखा, ये सौंध के इन्होंने चढ़ा दिया, सौंधी पौंधी हो गया, सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है नाजरीन। अच्छा ये तो सौंध के चढ़ा दिया है, अदरक लहसुन आएगा इसमें, हमने नमक लाल मिर्च हल्दी अदरक लहसुन प्याज सरसों का तेल पानी और गोश्त ये हमने सब साथ के डाला है, अभी अदरक लहसुन आएगा तो वो भी ऐड कर देंगे, डाल देंगे। अब इसको ढक्कन बंद कर देते हैं, और नाजरीन आपको बता दूं बाजारों में काफी जो है रौनक हो गई है, तीन चार दिन रह गए और कल 27वीं शब थी, और कल मैंने एक अहद किया, आपने कोई पैक्ट किया कल जब रात में आपने अपने गुनाहों की तौबा मांगी? नहीं नहीं अब वो तौबा के अच्छी बात को करें ना, मतलब ये तो बुरी बातें हैं, ये तो बड़ी पर्सनल है, बट ये जरूर है कि पॉजिटिव थिंकिंग वाकई में इंसान को जो है पॉजिटिव कर देती है और इर्द गिर्द की एनवायरमेंट को भी कर देती है। सो कोई भी अगर ये कहता हुआ आपको सुने किसी महफिल में कि पाकिस्तान में अब क्या बचा है, सारा खराब हो गया है और क्या होगा पाकिस्तान का,
یا پھر کوئی آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ کہا نا تو آپ صاف ہونے کے ایکسکیوز می ذرا آپ بیٹھے میں دو منٹ میں آیا اس جگہ سے ہی نکل جائیں نیگیٹیوٹی سننی بھی نہیں چاہیے میرے خیال میں کیا خیال ہے بڑے لوگ بولتے ہیں نا اچھا کمل کی کال لیتی ہوں ایک چیز جو میرے دماغ میں جو نکل نہ جائے کہ جو آپ کو چیزیں ملی ہوئی ہیں لائف میں اس کے آپ شکر ادا کرنے کے سٹاپ کاؤنٹنگ دی بلیسنگز اینڈ دیز ہوتا پتا کیا اس میں وہ لوگ ناظرین بول رہے ہوتے ہیں جن کے پاس بجلی بھی ہوتی ہے جنریٹر بھی ہوتا ہے یو پی ایس بھی ہوتا ہے کھانے پینے کو پیسے ویسے سب ہوتے ہیں اور جب وہ یہ بولتے ہیں نا تو مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں اور وہ آدمی جو کہ سارا دن مزدوری کرتا ہے آپ اس سے پوچھے کیا حال ہے بھائی آپ کا وہ کہے گا جی اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو دیر از اے بگ ڈفرنس تو اس چیز کو ذرا ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں کول گئی سو تو نہیں ہے ہیلو السلام علیکم کول وعلیکم وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ کیسی ہیں ہاں مشی آپ کیسے ہو بس اللہ کا فضل جی تھینک یو ہاں مجھے بھائی حسین بھائی سے کہیے گا کہ مجھے نا اڈلی بنا کے بتائیے گا رمضان کے بعد نا اڈلی ڈوسا والی اڈلی جو ہوتی ہے اچھا کوشش کریں گے انشاءاللہ چلے پکی بات ہے اور بہت اچھا بنا رہے ہیں بہت پلاؤ لیکن جھینگے میں اتنا کولیسٹرول ہوتا ہے ہم نارملی کھا نہیں سکتے جھینگے اچھا اوکے تو آپ نہیں تو آپ یہ والی ریسیپی جو ہے آپ مچھلی کے ساتھ بھی بنا سکتی ہیں اور چکن کے ساتھ بھی بنا سکتی ہیں بون لیس چکن کے ساتھ اچھا بہت شکریہ بہت اچھا اور جواب دینا ہے مجھے کالی فلاور جی اوکے ٹھیک ہے کمل آپ کراچی سے بول رہی ہیں جی جی کراچی سے اچھا یہ بتائیں عید کی آپ نے تیاری فل ہے عید کی تیاری بس بچوں کی تیاری ہوتی ہے اپنی کیا تیاری بچوں کی عید ہوتی ہے نہیں سب کی عید تو سب پہ فرض ہے اگر آپ نے روزے رکھے ہیں تو پھر تو نہیں بالکل میں تو پہلے شعبان سے رکھ رہی ہوں روزے جوش اور جذبہ زندگی میں جاری رکھنا چاہیے بالکل بس بالکل ان شاء اللہ دعاؤں میں پتہ ہے آپ کو اس لیے کہہ رہی تھی میں کول جی کے بچے بھی دیکھ کے نا پھر خوش ہوتے ہیں ماں باپ بھی خوش ہیں ہے نا کول چلی گئی اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ یہ ہم نے ادرک لہسن آ گیا ہم یہ ڈال دیتے اچھا بریک میں جانے سے پہلے میں کمل کی بات کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ بچوں کی تیاری ہوتی ہے ہماری تیاری نہیں ہے میں آپ کو ایک میرا میسج ہے سارے بزرگوں کے لیے اور سارے بڑوں کے لیے کہ عید میں کہیں اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا اپنا تہوار ہے اللہ میاں نے نہیں کہا کہ صرف یہ بچوں کا تہوار ہے یہ سب کا تہوار ہے بالکل تو اپنی طرح سے ہر کوئی اس کو انجوائے کرے اور ہر کوئی اس کو سیلیبریٹ کرے سادگی سے کریں لیکن کریں ضرور بالکل سادگی سے کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ غبارے اور کنفیٹی کے ساتھ عید کو سیلیبریٹ کریں اور نقارہ بجائیں بٹ سادگی سے کریں لیکن کریں ضرور یہ فرض ہے ناظرین عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جب تک 20,000 کے جوڑا نہیں بنایا اور آپ نے منولو بلانک کے جوتے نہیں پہنے اور برکن کا بیگ نہیں پکڑا ہوا ایسی بات نہیں ہے آپ جو بھی چیز نئی ہو آپ کی ایون میں تو اس وقت پرانے اپنے کپڑے پہن رہی ہوں بیکاز میں اس طرح عید سیلیبریٹ کرنا چاہ رہی ہوں میں نے وہ عید میں بھی انہی کپڑوں میں نظر آؤں گا جو عید کا ہم لائیو شو کریں ناظرین مجھے پتا ہے ان کے لیے میں نے ایک چیز کر لی ہے اس کے اوپر ایک ہار ڈال دیتے ہیں لے کا ہار ٹھیک ہے ناظرین ایسے موقع پہ پھر بریک کا اشارہ آ گیا کیا کریں کمرشل ماشاء اللہ اتنے نہیں جائیں بریک میں نہیں ناظرین آپ کو پتا ہے اسپانسر جو ہے وہ ناراضگی ہو جائے گی ان کی چلتے ہیں کوئک سے بریک پہ بریک سے واپس آتے کی واچنگ کھاتے پیتے یا ناظرین سوری واپس آ چکے ہیں ہم لوگ اور میں سوچی تھی گولف کھیلنے کی ناکام کوشش تھی اور واپس آ گئے اور آج بن رہی ہے جھینگے کی پلاؤ بریانی اور گوبھی گوشت یا پھول گوبھی گوشت اور آج کا سوال ہے کہ پھول گوبھی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں اب یہ جو پلاؤ بریانی ہے جھینگے کی اس کا سٹیپ ٹو دیکھ لیا اب سٹیپ ٹو دیکھ لیا ہم نے جھینگے بنا لیے تھے یہ چاول ہمارے گھر سے ابال کے لے کر آئے اس میں سارا سیاہ زیرہ سفید زیرہ الائچی پودینہ سرکہ ہری مرچوں کے ساتھ آپ نے ابالا پانچ منٹ کے لیے دم دے دیا ہے پکے ہوئے چاول ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے نیچے چکنائی لگائی ہے اور یہ آدھے ہم نے چاول بچھائے ڈال دیے یہ آدھے چاول بچھائے بچھائے ناظرین اور اس پہ اب یہ جھینگا لالا ہر ہر یہ جھینگا لالا ہر ہر ہو رہا ہے واہ واہ اچھا اب ہم یہ اس کو سیٹ کر دیں اچھا میں یہ دیکچی نیچے رکھتا ہوں اور یہ پین ہم الگ سے رکھتے ہیں اس کو ہمیں ایک کپ تیل اس پین میں گرم کرنا ہے آدھا کر لیں یہ لیں عظما ہے فرام لاہور ہیلو السلام علیکم عظما وعلیکم السلام اسی کیسی ہیں فائن تھینک یو آپ سنائیے خیریت سے میں الحمدللہ شکر اللہ کا بالکل ٹھیک ہوں اور حسین بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام عظما کیا حال ہے شکر اللہ کا حسین بھائی پہچانا ہے آپ نے مجھے میں بالکل پہچان گیا آپ تو ریگولر ہو گئی ہیں ماشاءاللہ سے جی جی میں کافی دنوں سے ٹرائی کر رہی تھی لیکن اب ماشاء اللہ اتنا بزی ہوتا ہے نا آپ کا فون کی کال ہی نہیں لگتی ہے
क्या करें उस्मा, समझ नहीं आती है। और हुसैन भाई माशाल्लाह बड़ी अच्छी कुकिंग कर रहे हैं आप। थैंक यू उस्मा। हुसैन भाई मैंने आपको बताना था कि जो आपने वो बनाई थी ना कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, वो मैंने ट्राई की थी, माशाल्लाह बहुत ही मजे की बनी थी। अच्छी बनी माशाल्लाह से जी, बहुत अच्छी बनी, सबको बहुत पसंद आई। लवली, वेरी नाइस। हुसैन भाई ये पूछना था कि जो आज आप जीरा बिरयानी बना रहे हैं, तो चिकन में भी बना सकते हैं इसी मेथड से? बिल्कुल चिकन, लेकिन चिकन बोनलेस में बनाना ये वाली बिरयानी। अच्छा जी जी, मैं इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। बिल्कुल। और मिशी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मैं आपको एडवांस में ईद मुबारक कहना चाहती हूँ। खैर मुबारक जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से जाकिर जी, पूरी टीम को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका पैगाम पहुँच गया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा अब ये ब्राउन प्याज है, ये हम घर से करके लेकर आए हैं। कहाँ से आ गया मैं, बोतल वाला जी। ये ब्राउन प्याज है, अब क्या करेंगे? अब ये पुदीना है। मिशी दो नींबू काटो। नहीं ये नींबू का जूस है ना? है ये है। ये भी है। नहीं, ये है, ये हमने नींबू डाला है। पिनोकियो बन गए हैं आप उस वक्त। अच्छा ये भी है। अच्छा ये हमने तेल गरम किया था, इसमें थोड़ा नींबू डाला था, ये सिया जीरा डाला है थोड़ा सा वापस से, और सफेद जीरा। हाँ सफेद जीरा डालेंगे, ये जरूर किया करें, इससे बड़ी बिरयानी का टेस्ट बहुत जबरदस्त हो जाता है। और एक आध तेज पत्ता वापस डाल देते हैं, एक आध इलायची दे दो मिशी मुझे। इलायची बड़ी इलायची डाल लें, छोटी नहीं है, छोटी वाली जो है ना उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। चलो ये बड़ी इलायची डाल दो, ठीक है ना, ये किया करें। और ये तुम बाकी चावल डालो, बाकी चावल नाजीन इसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ। ये बिल्कुल आप इसी तरह बनाएं घर में भी। एक सेकेंड हुसैन, वो भी रहने दें। ओके ये चावल डाल दी, देखिए इसमें आपको हरी मिर्चें वगैरह सब नजर आ रही है। ये भगार बनाया था आपने, ये देखें, ये आपने साइड में ये भगार पूरा डाल दिया। अब आपने क्या करना है, ब्राउन प्याज दो मुझे आपके। ये बड़ी हुसैन, ये ब्राउन प्याज है, थोड़ी गार्निशिंग के लिए रख लेंगे, ठीक है। और ये ले, ये थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, ये भी डाल दें, ये हरी एक दो ये भी डाल, बहुत शौक है। हाँ ये तो है, आपको अच्छा, पता है। अच्छा ये है हरे प्याज के पत्ते, ये रंग के लिए झींगे में जब भी आप पुलाव बनाएं या बिरयानी बनाएं, ये हरी प्याज के पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे आखिर में हमने इसमें पानी डालो, ओहो वही जर्दे गरम थोड़ा और बस। और ये हमने दूध में नहीं मिलाना है, क्योंकि बहुत से लोग मछली में दूध का चक्कर लगाते हैं, तो हमने पानी में किया है। ये हमने ऊपर से जर्दे का रंग पानी में डाला, ठीक है। और ये अब इसमें नींबू डाला, ये भी नींबू है, नींबू ये भी डाल दें नाजिम, ताकि ठीक है ये नींबू है, चटपटी हो जाए। और ये हमने दम पे लगा दी, और अब हम ये चूल्हा खोल देते हैं। अब जो गोभी गोश्त है नाजिम, उसका सेकेंड स्टेप जो है, एक सेकेंड इधर रख देना, परेशान क्यों है? नहीं परेशान तो हुसैनी। तो ये काइंड ऑफ गोश्त हो गया है, थोड़ा पानी डालते हैं। और मिशी आज दो फरमाइशें आई थी हमारे पास ना, एक इडली की, यस, और एक वाइट कोर्मे, वाइट कोर्मे। अच्छा ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा और आइडिया है, बताओ। रिपीट में देख के लिख लेना। क्या रिपीट में देख के? क्या आइडिया, तूने पीछे मेरे को निशान विशान बनाया? नहीं नहीं प्रॉमिस नहीं बनाया कुछ भी आज नहीं, लेकिन मैं ताक में हूँ, मैं ताक में जब आप बहुत बिजी होते हैं ना फिर मैं करती हूँ, पीछे से यूं करके जाती हो ना। अच्छा ये आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 3587-9934। जी राजी ना, आज का सवाल है कि कॉलीफ्लावर बताओ। अजी इस चीज के बारे में दो मिनट के बाद बात करती हूँ, ये कुछ गड़बू गड़बू हो गया। ये हमने फूल गोभी है ना, फूल गोभी फ्राइंग पैन में थोड़ा तेल गरम किया है, और ये फूल गोभी इसमें थोड़ी सी फ्राई कर रवा दवा कर दी है, रवा दवा कर दी है। और आपको ये बताना है कि फूल गोभी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉल करके या फिर कॉल करके, एसएमएस नहीं करें, एसएमएस क्यों करेंगे वैसे बाकी। और kp@zaiqatv.pk पे आप ईमेल करके फरमाइश भी कर सकते हैं, और जो पुरानी की रेसिपी आपसे मिस आउट होगी उसकी भी फरमाइश कर सकते हैं। एंड ईद की आमद आमद है, और जितने लोग देख रहे हैं उनको एडवांस एडवांस ईद मुबारक, ईद मुबारक।
और साथ साथ ये भी बता दूं कि हम लोग इंशाल्लाह ईद वाले दिन जो शो करेंगे वो दो घंटे का होगा, ईद के फर्स्ट डे 4 से 6 बजे तक, तो वो मत मिस कीजिएगा, है ना। एब्सोल्युटली। अजीन आज हेयर स्टाइल बड़ा बन गया, रोज में बांध बांध के बाल, तो आज जरा आपका भी बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से बनवाया आपने ये? ये हमारे घर की छत के ऊपर एक पार्लर है जिसकी अजीन देखे किसी वक्त ब्रेक आती है, अजीन ब्रेक का वक्त हो गया है तो चलते हैं, क्विक सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो ये फूल गोभी जब तक फ्राई हो गई होगी तो इसका नेक्स्ट स्टेप आपको बताएंगे। लेट्स टेक क्विक शॉर्ट ब्रेक। नाजीन वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खाते पीते, और अभी जो फूल गोभी गोश्त है उसकी जो गोश्त है वो अभी जो इन्होंने फ्राई कर ली है, फूल गोभी फ्राई हो गई है, गोश्त सोन के चढ़ चुका था, अब इसमें हमने फ्राई किया गोश्त में, हमने सरसों का तेल डाला, ये रेगुलर तेल में बनाई है, ये हमने फ्राई किया हल्की गोल्डन ब्राउन, आप साथ भी चढ़ा सकते हैं लेकिन आज मैं आपको इस तरह से खा रहा हूँ। अब आपने हल्का हल्का गोभी को ये हिलाया है, उसमें पानी नहीं डालना ना? अब पानी नहीं, ये भुना भुना रहता है, अगर थोड़ा डालना चाहें तो डाल दें, पानी हम गोश्त को सोनते हुए तो चढ़ा ही रहते हैं। जब इसके ऊपर ढकना है, इसमें हमने ये गरम मसाला डालना है, ठीक है, गरम मसाला बड़ी इलायची और काली मिर्च पीस के रखें, यही गरम मसाला इस्तेमाल करें। हाँ जी खबरदार, आपने ये आपके घर पे पुलिस लेके पहुँच जाएगी। ये हरा धनिया कटावा डाला, ये हरी मिर्चें डाली, कटी हुई हरी मिर्चें डाली, सारी तो डोई पे डाल दी है आपने, ये हरी मिर्चें डाली और ये कटी हुई तकरीबन एक अदरक है या दो अदरकें हैं और जूलियन कटी हुई है, ये जरूर गोभी गोश्त की खास चीज है। और सबसे आखिर में आपके पास ये नींबू है, जितना नींबू डाल सकते हैं उतना डालें, उतना मजा है, इतना ना डालें कि दिमाग खट्टा हो जाए। रबिया है फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम रबिया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, और आज जो आप बना रही है ना वो बहुत अच्छा बना रही है। अच्छा, ये तो तारीफ तो बहुत सलाम। अच्छा। वालेकुम अस्सलाम रबिया, और आप कैसे हैं हुसैन भाई? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मुझे झींगे बहुत पसंद है, आपने आज मेरी डिश बना दी। चलो लवली यार, तो झींगे की पुलाव बिरयानी जरूर बनानी है आपने। मुझे आपके सवाल का जवाब देना, बताएं बताएं। फूल गोभी को इंग्लिश में कॉलीफ्लावर कहते हैं। ओके ठीक है, मैंने आपका जवाब नोट कर लिया। और मेरी फरमाइश है, हाँ जी बताएं, चिकन स्टिक बनाना सिखा दें और चॉकलेट केक। चिकन स्टिक, चिकन स्टिक, सॉरी चिकन स्टिक, सॉरी चिकन और चॉकलेट केक। जी ठीक है, चिकन स्टिक और चॉकलेट केक, फाइन वंडरफुल। आज तीन फरमाइशें आपको बता देती हूँ रिपीट करके, चिकन स्टिक की है 1, इडली की है 2, और तीसरी है व्हाइट कोरमा। तो ये तीनों चीजें अगले से अगले हफ्ते में इंशाल्लाह, हम स्टेक्स को थोड़ा डिले कर रहे थे बिकॉज बहुत लोग बना रहे हैं, तो हम मुख्तलिफ किस्म के स्टेक्स बनाएंगे, हम जैसे रेड स्नैपर स्टेक्स हैं, आपके टेंडरलॉइन है, बीफ के स्टेक्स हैं, मछली के स्टेक्स हैं, चिकन के स्टेक्स हैं, मुख्तलिफ सॉसेस के साथ, तो सब चीजें सिखाएंगे इंशाल्लाह, और चॉकलेट केक भी बनाई देंगे। बस उस दिन आपने ना फिर हिलना नहीं है टेलीविजन के सामने से। और आज का सवाल सुन लें कि फूल गोभी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 02135879934, और ये देखिए आपने खूबसूरत खुशबू, और 36 पे कर सकते हैं। अच्छा मिशी, अब तुम ये बिरयानी निकालो। मैं बिल्कुल निकालती हूं। नाज़िम इस चीज का, इस चीज का एक चीज का ख्याल करें, अगर आपके पास भुनी हुई दार चीनी हो तो वो जरूर ऊपर से डालें, तरकीब में भी आपको नजर आएगी भुनी हुई दार चीनी। अब ना नाज़िम इसको सिर्फ अब आप देखें गौर से, ये इसको हिलाएंगे, मिक्स करके निकालें, और अगर कोशिश करें तो बिरयानी हमेशा पिरस से निकालें, लेकिन अगर चमचा पिरस जितना हो तो चमचे से भी ये हो गया, माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह मान रही है, और ये होगी वाह वाह खूबसूरत। तो मैं गारंटी कहता हूँ कि चावल हमारे जितने प्रोग्राम में अच्छे बनते हैं, आई एम नॉट बीइंग मॉडेस्ट राइट नाउ बट आई कैन सी दैट चावल नाज़रीन खाते पीते हैं। और महा भी हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम महा। वालेकुम अस्सलाम, हाय हाउ आर यू? फाइन थैंक यू, आप सुनाएं। वालेकुम अस्सलाम, ऑन टेलीविजन जी जी। मैंने हुसैन भाई पहली दफा देखा, आई थिंक न्यू ईयर इजंट इट जी, मैंने किसी और चैनल से आपको नहीं देखा है? नहीं, मैंने कुछ एक चैनल पे थोड़े प्रोग्राम किए थे, उसके बाद मैंने यही किए हैं बस। अच्छा, आई हैवंट सीन यू अदर चैनल। अच्छा, यू डूइंग अ गुड जॉब एनीवेज। अच्छा हुसैन भाई, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, आपको हाउस वेयर बनाना आता है? आई कल बनाया था, कल बनाया है। ओह, आई डिडंट सी दैट। और वो दैट वाज द सेकंड टाइम वी मेड हाउस हाउस। I think I was at work then. अच्छा, अगर आप मुझे हम लोगों को kp@zaiqatv.pk पे ईमेल कर देंगी
अगर आपका ईमेल मुझे मिल जाएगा तो आई कैन सेंड यू द रेसिपी, दैट्स वेरी इजी रेसिपी और आप आराम से घर में बना लेंगी। अच्छा बिल्कुल जी, शायद वो इस वीक हम उसको शायद रिपीट भी कर सकते हैं या नेक्स्ट वीक रिपीट करवा देंगे बिल्कुल संडे को। इस दफा तो सारे ईद के प्रोग्राम आएंगे लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक रिपीट करवा देंगे आपके लिए खाउसे का प्रोग्राम। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजीन आपने देखा ये खूबसूरत बिरयानी जो है वो डिश में निकाल ली है बिल्कुल, और इसको हटा लेते हैं बिल्कुल हटा ले, लवली देखी। और ये है ऊपर इसकी छिड़काव कर दें ब्राउन प्याज से, और ये अनइवन हो गया एक सेकंड इवन कर। अच्छा हम रमजान में ऑब्वियसली चख नहीं सकते, तो अगर किसी चीज की कमी बेशी होती है तो अगर हम रेगुलर प्रोग्राम में तो हम चख लेते हैं तो ये, और इसमें ये मैं जो पुदीना पुदीना है ये भी ऊपर से आप गार्निश कर सकते हैं। और इसी खूबसूरत मौके पे नाजीन एक शेर याद आया, लेकिन देखा नाजीन जैसे हमने कहा वो शेर याद आया ब्रेक का इशारा हो गया, तो ये कुछ है नहीं कुछ है नाजीन इसमें कुछ है इस बात पे, तो ये क्या क्योंकि हमारे कमर्शियल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट डू यू से मिस्टर साइन, चलते हैं क्विक सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। सॉरी नाजीन वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खाते पीते, और फूल गोभी गोश्त जो है वो बन चुका है, अब आप देखेंगे उसकी तस्वीर क्लोज में, ब्रिलियंट जबरदस्त। अब लाइन में आपकी आपको थोड़ी सी आपको मैं हेल्प कर दूं नाजीन, इधर से डालूं कि इधर से ये लें फूल गोभी गोश्त, इसमें गोभी जो है वो नजर आ रही है तैयार हो गया बनी है गुलत्ती, और इसके ऊपर डाल देते हैं ये हरा धनिया डाल, हरा धनिया डालो, हरा धनिया डाल दिया सर, एंड एनीथिंग एल्स सर, बस थोड़ी सी हरी मिर्चें काट दो, दैट्स इट। अदरक होगी तो अदरक चली गई है डाल चुके हैं, अदरक सही है, ये इसमें हरी मिर्चें भी कट रही हैं, काटती रहूंगी हरी मिर्चें में आपको पता है नाजरी, एक सेकेंड एक और काट देती है, एक और एक और ये देखो अब ओके ब्यूटीफुल हो गया खाना माशाल्लाह से, नाजीन खाना ब्यूटीफुल होता है ये याद रखें। हमारे पास अब जिनकी फरमाइश थी फूल गोभी गोश्त की, अगर उन्होंने देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम या आज रात देखेंगी तो अपने घर में बनाए हमें बताएं कि कैसा बना है। ठीक है अब जो है नाजीन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है आप देख रहे हैं लाइटर आ चुका है, और लाइटर से ये जलाते हैं, हमारी को 10-12 कैंडल्स हैं लेकिन आज थोड़ी सी, किसी को दुआ भी मांगनी है तो नाजीन मांग सकता है जी बिल्कुल, श्राइन बन गई है ना ये। अच्छा ये रह गए ये दो ये रह गए, और नाजीन अभी आपको रेसिपी कार्ड भी देखना है, अगर आप देख लें तो अभी दिखाते हैं आपको सेटिंग, रेसिपी कार्ड पता कैसे जाते हैं नाजीन, इधर आ जाती हूँ सॉरी, माय गॉड नौकरी क्रुकेड हो गई है, ओके वापस आ गए तो सॉरी मनी, ओहो कला कुमा हो गया इसका तो सॉरी, अब ये कुछ नहीं हो सकता,
अच्छा अब आप बता दें हुसैन, आपने कोई खूबसूरत सा पैगाम जाते रहते क्योंकि इस वक्त बस मोमबत्ती हमारी शहीद हो चुकी है। अच्छा कल अगर अब्दुल गनी साहब हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो उन्होंने कोफ्तों की फरमाइश की थी, तो कल के प्रोग्राम में हम कोफ्ते बना रहे हैं और एक चिकन रोस्ट की रेगुलर फरमाइश आ रही थी, तो हम कल चिकन रोस्ट बना रहे हैं विद रोज मेरी सॉस के साथ, विद रोज मेरी सॉस के साथ, तो वो आपको व्हाइट सॉस के साथ हम चिकन को फ्राई करके उसमें मिलाएंगे। तो जिसको भी कल देखना है प्रोग्राम और ये दोनों रेसिपी सीखनी है तो कल आप जरूर प्रोग्राम हमारा देखें। और नाज़रीन आज जो है फूल गोभी गोश्त बना है एंड द राइट आंसर इज फूल गोभी को अंग्रेजी में कॉली फ्लावर कहते हैं, जिन्होंने सही जवाब दिया मुख्तलिफ जगहों से मुबारक हो, वेरी गुड। हम लोग इस तरह के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड आज बना है झींगे की पुलाव बिरयानी बनी है, वेरी नाइस। एक ट्रीटी साइन कर लें, हमारा शेख हैंड भी बड़ा मशहूर होता जा रहा है नाजी। और साथ साथ आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपकी कोई रेसिपीज मिस हो गई हैं तो आप kp@rateofzaiqatv.pk पे ईमेल कर सकते हैं एंड इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी एग्जैक्टली 4 बजे। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, पेरेंट्स से प्यार करें, जो नेगेटिविटी है जहाँ पे आप सुनते हैं उसको दूर करें, अपनी जहाँ पे नेगेटिविटी के बारे में बातचीत हो रही हो अगर आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ से उठ और जिंदगी में फोकस लेकर आए तो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।